हे गाइस, वेलकम टू चैनल मार्क्स चॉइस। तो आज हम बात करेंगे बिस्क फार्म की द टॉप बिस्किट्स के बारे में। गाइस, ये इस बिस्कुट का फ्लेवर है द क्रिप्स क्रंच बटर मंच। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, इसका नेट वेट कितना है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है लिस्ट है वो क्या क्या है, इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इन सारी चीज़ों का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे गाइस, क्या ये प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, इन सारी चीज़ों का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस। इससे क्या होगा, जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हियर यू कैन सी, इस इज बिस्कम्स द क्रिप्स क्रंच बटर मंच। ये बटर फ्लेवर्ड बिस्कुट है, बिस्कुट है गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है और इसका नेट वेट कितना है, राइट। सो हियर यू सी, इसका नेट वेट है गाइस 250 ग्राम और इसका प्राइस है 27 रुपीज़। ओके, आप देख लेते हैं इसका इंग्रीडियंट्स लिस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, यहाँ पर रिफाइंड वेट फ्लेवर, रिफाइंड एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर, इनपुट सिरप, लिक्विड ग्लाइकोज, मिल्क सॉलिड्स, बटर, सॉल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर, रेजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं मैप। तो आप देख लेते हैं इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जो सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का गाइस। ठीक है, इसमें 400 ग्राम हियर यू कैन सी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है 64.52 ग्राम, शुगर से 10.49 ग्राम, प्रोटीन है 6.88 ग्राम, टोटल फैट है 27.1 ग्राम, टोटल सैचुरेटेड फैट है उसमें 15.18 ग्राम और टोटल ट्रांस फैटी एसिड है 0.2 ग्राम और एनर्जी है 477.24 kcal। ठीक है, तो अब वक्त है इस पैकेट को खोलने का और दिखाने का आपको ये बिस्कुट कैसे आते हैं। सो हियर यू गो। ठीक है, इसमें शुगर का मात्रा एकदम कम है, इसलिए मैं कहूँगा ये वीडियो को ये बिस्कुट बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें शुगर, जिन लोगों को शुगर का दिक्कत है दे कैन डेफिनेटली यूज़ इट। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्कुट थोड़ा टूट गया, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो दैट इज़ आवर बिस्क फार्म टॉप बिस्कुट, यू कैन सी योर बिस्क फार्म लोगो। तो गाइस, अब बात करते हैं ओवरऑल क्या ये बिस्किट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है। गाइस देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे तो हम बिस्कुट की बात करें, इसमें व्हीट फ्लावर होता है, इसमें होल व्हीट का कोई बात नहीं आता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेली दो बिस्कुट इज़ एनफ विथ टी, दैट इज़ एनफ गाइस। तो ये बिस्कुट ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए अच्छा है गाइस, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर विथ इट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको कैसा लगा। मैंने इसके पहले भी बीटानिया की जो शुगर फ्री बिस्कुट है उसको भी रिव्यू बनाया है गाइस, अगर आप चाहें तो उसको भी हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना है गाइस, ये थी मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग दिस बिस्कुट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मार्क्स चॉइस, लव यू, टेक केयर, बाय।